आप सभी साथियों का, साथियों फिर से एक बार आप सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड इवनिंग, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत नमस्कार। करता हूं आज की इस बेहतरीन प्रेरणादायी जूम मीटिंग में आप सभी साथियों को से अपनी और अपनी कमर से। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, लगभग काफी दिनों से मीटिंग नहीं हुई थी, लेकिन फिर से इधर आप सभी से बात करने का अवसर मुझे हुआ। मैं बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ अपने भाई, और इसी के साथ शुक्रिया आजाद का जी करती। और आजाद की बातें हमेशा बहुत बेहतरीन रहती है, उसमें कोई डाउट। हर मीटिंग में आपका एक होता है मीटिंग को, तो आजाद को मैं बहुत कल की मीटिंग भी। और साथियों, मीटिंग आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सभी को बताऊंगा उन सभी अचीवमेंट्स को, मैं अपनी तरफ से बहुत बधाई देना चाहूंगा जिन्होंने। साथियों, जैसा कि मैं बात कर रहा था आप सभी को, जो भी इसमें हम सभी साथियों जीवन अपना अपना एक नया मुकाम, एक नए किले ने पहली बार कुछ साथियों ने अपनी पिन को बदला, और कुछ साथी ऐसे भी तो बहुत बड़े लेवल पर गए। तो मैं उन सभी साथियों को सामूहिक रूप से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ, और यही आशा करता हूँ, ईश्वर से यही कामना भी करता हूँ, जल्द से जल्द अपनी मेहनत, अपने इसी प्रयास से, अपनी लगन से आने वाले समय में बहुत ही जल्द अपनी उस पिन को बदलेंगे। और जो साथी अभी उस पिन पर नहीं पहुंचे, अपनी अपनी नई पिन से एक बार बहुत सभी साथियों का, और आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत बड़े लक्ष्य को लेकर आगे काम भी करेंगे। तो साथियों, अब इस मीटिंग को आगे बढ़ाते हुए मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, जो नए साथी हैं, हालांकि पुराने साथी सभी लोग, लेकिन कुछ न कुछ नए साथी निश्चित रूप से हर मीटिंग में बैठते हैं, तो मैं उन सभी साथियों को बताना चाहूंगा। मेरा नाम सी के कुशवाहा, और मैं तीर्थों के राजा संगम प्रयागराज इलाहाबाद उत्तर प्रदेश यूपी से हूँ, और मुझे अपनी कंपनी JMBD का दामन पकड़कर सफर करते हुए साथियों आज लगभग 6 वर्ष पूरे होने वाले हैं, जिसने मुझे वो चीजें दी हैं साथियों जो कभी मेरे लिए सपना होता था, लेकिन आज वो अपना है साथियों, आज वो मेरा अपना हो गया, JMBD मेरा अपना बना दिया। सो मैं अपनी कंपनी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, वेरी वेरी थैंक्स माय डियर फ्रेंड्स। इस दुनिया में कौन सा ऐसा इंसान है जो एक फ्रीडम भरी लाइफ, आजादी भरी जिंदगी नहीं जीना चाहता? कौन सा ऐसा इंसान है जो समय की आजादी नहीं चाहता? कौन सा ऐसा इंसान है जो सुरक्षा भरी जिंदगी नहीं चाहता? और कौन सा ऐसा इंसान साथियों पैसे से भरी लाइफ नहीं चाहता? साथियों, दुनिया में शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जो इन चारों चीजों को नहीं चाहता। लेकिन साथियों, इस दुनिया में कुछ ही ऐसे लोग हैं जिनको ये सारी चीजें एक साथ मिल पाती है। किसी को कुछ मिलता है, किसी को कुछ मिलता है, लेकिन सब कुछ किसी को नहीं। अगर मिलता है तो सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म है जिसको बोलते हैं एलम, और जिससे सबसे अच्छा बेहतरीन ऑप्शन आपके पास है JMBD। साथ दुनिया में बहुत सारे प्लेटफॉर्म ऐसे हैं, लेकिन उस सब में आप अगर सर्च करने जाएंगे तो शायद JMBD से बेहतर आपको प्लेटफॉर्म नहीं मिलने वाला साथ। तो साथियों, ये सारी चीजें मेरे जीवन में आई, और आज ये चारों चीजें मेरे जीवन में आनी शुरू हो चुकी हैं, जिसकी कामना, जिसकी इच्छा आज हर व्यक्ति अपने जीवन में करता है। जो लोगों के लिए सपना होता है साथियों, आज वो अपना हो चुका है।
लेकिन इस सपने को पाने के लिए जो मैंने प्रयास किया, जो मैंने मेहनत की, साथियों मेरा प्रयास मेरी मेहनत तो है, लेकिन साथियों ये मेरे अकेले का की वजह से मैं आज यहाँ तक नहीं पहुंचा हूँ साथियों, क्योंकि इसमें मेरे उन गुरुओं का भी साथ है, मेरे उन गुरुओं का आशीर्वाद है, मेरे उस प्यारी प्यारी टीम का साथ है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा साथियों, जिन गुरुओं का दामन पकड़ के, जिन गुरुओं की उंगली पकड़ के मैं चला हूँ, जिनके सानिध्य में काम करते हुए, जिनकी छांव में पलते हुए मैं आज यहाँ तक पहुंचा हूँ साथियों। जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि बिना गुरु को ज्ञान नहीं होता, ठीक इस प्रकार से बिना ज्ञान के मैं अपनी बातों को कभी आगे बढ़ाता नहीं हूँ साथियों। तो मैं सबसे पहले मैं अपने उन गुरुओं का आशीर्वाद भी लेना चाहूंगा, उन गुरुओं का नाम भी लेना चाहूंगा जिनकी। तो मैं ये मीटिंग को आगे बढ़ाते हुए, जैसा कि मैं साथियों बात कर रहा था कि मैं किसी भी मीटिंग में अपनी बात को रखने से पहले, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि साथियों मैं कुछ भी नहीं, मैं अकेला कुछ भी नहीं हूँ, क्योंकि अगर मेरे अकेले में ताकत होती, मेरे अकेले में कुछ होता, तो शायद आज मैं यहाँ पर 6 साल पहले ही आज इस मुकाम पर, इस नाम पर, इस औहदे पर आज मैं पहुंच चुका होता साथियों। लेकिन आज मैं यहाँ पर हूँ तो उसमें मेरा अकेले का कोई रोल नहीं है, उसमें मेरे समस्त गुरुओं का रोल है। जिस कड़ी में मैं नाम लेना चाहूंगा सबसे पहले अपने उस आराध्य गुरु का, जिनकी उंगली पकड़कर मैं चला, जिन्होंने मेरे साथ हर कदम पर साथ चले, मेरे हम सफर, मेरे साथी, और जिन्होंने मुझे चलना सिखाया, सही और गलत का फर्क बताया, हर कदम पर मेरा साथ भाया, एक ऐसे महान, एक ऐसे गुरु जो हर परिस्थिति में सकारात्मक रहने वाले, अपने व्यक्तित्व के लिए जाने जाने वाले, एक ऐसे गुरु जिनको हम के नाम से जानते हैं साथियों। मैं सबसे पहले उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता जिनके सानिध्य साथियों आज यहाँ तक हूँ। और इसी कड़ी में सातवां नाम आते, हम सभी के एक ऐसे गुरु का नाम जिन्होंने पूरे भारत को ट्रेनिंग देने का बीड़ा उठा रखा है, पूरे भारत को आज ऐसे देते, ऐसे चीजें बताए कि समय अधिक काम हो, कैसे लोग कम समय में अधिक पैसा आए, कैसे समय में बड़ी बड़ी ट्रेनिंग पर जाए, एक ऐसी राह वाले, एक ऐसा सिस्टम देने वाले हम ऐसे लीडर ओम सर जो सबके चाहते हैं, मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि मुझे इस समय लगातार मिलता हूँ बहुत कुछ साथियों। भारत आज उनसे प्रभावित होता है, हमसे सीखता है। तो साथियों उसी कड़ी में मैं अपना नाम लेना चाहूंगा अपने उस गुरु का जिनसे मैं बहुत प्रभावित रहता हूँ, जिनसे हमारा एक ऐसा रिश्ता है, बहुत बहुत ही क्लोज कह सकते हैं आप, बहुत क्लोज रिश्ता है। उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ अनुभव लिया है। जो हमारी कंपनी के डायरेक्टर हैं माननीय पंकज सर, जिनकी बातों में इतना दम होता है कि किस शब्दों में वो ताकत होती है, अगर कोई व्यक्ति सही से सुन ले, समझ ले, तो साथियों उसको और कुछ समझने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, जेएमबीटी उसको क्यों समझ में आ जाएगा। इसी कड़ी में साथियों मैं अगला नाम लेना चाहूंगा एक ऐसे व्यक्तित्व का साथियों, जिसके बिना, जिसके नाम लिए बगैर शायद ये पूरी मीटिंग अधूरी हो जाएगी साथियों, क्योंकि आज ये सिस्टम, आज हम सब जो बातें हम सब आज इकट्ठा होकर कर रहे हैं साथियों, आज हम सभी ने जो सपना देखा है, जिस सपने को लेकर आज हम सभी काम कर रहे हैं साथियों, अगर आज वो इंसान हम सभी के साथ में अगर उनका सानिध्य नहीं होता, उनका आशीर्वाद नहीं होता, तो साथियों आज हम सब आज यहाँ पर नहीं होते। एक ऐसे महान व्यक्ति, एक ऐसे लीडर, एक ऐसे व्यक्तित्व इस बिजनेस में हम सबके गुरु, हम सबके पिता माननीय दद्दा जी, जिन्होंने एक ऐसा प्लान बनाया, एक ऐसा सिस्टम बनाया
ऐसे प्रोडक्ट दिए जिसके लोगों ने लोगों को दे दे करके लोगों को स्वस्थ बनाया और लोगों ने समृद्धि का रास्ता भी बताया साथियों, क्योंकि आज मैं देख रहा हूँ पूरे भारत में आज लाखों लोग अपने अच्छे अच्छे प्रोडक्टों से प्रभावित भी हो रहे हैं, स्वस्थ भी हो रहे हैं साथियों। क्योंकि आज अगर हम लोग 11 साल से साथियों टिके हुए हैं, इतनी विषम परिस्थितियों में आज हम लोग काम कर रहे हैं साथियों, ये दद्दा दिए उस गुणवत्तापूर्ण प्रोडक्टों की ही ताकत है साथियों। क्योंकि आज अगर प्रोडक्ट में ताकत नहीं होती साथियों तो मार्केट में इतना कंपटीशन है कि शायद आज हम आप मार्केट में खड़े नहीं हो पाते। लेकिन दद्दा जी की इतनी ईमानदारी से गुणवत्ता देने की वजह से ही आज हम सभी साथियों इस बिजनेस में लगातार आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। और एक ऐसा प्लान उन्होंने डिजाइन किया जिसका यूं कहा जाए मार्केट में कोई कंपटीशन ही नहीं है साथियों, जिसमें अगर कोई व्यक्ति लगातार लगन से काम करते साथियों, जैसा कि ओम सर लगातार बताते हैं कि 17 महीने में नहीं, अगर व्यक्ति सही से काम कर दे तो 6 महीने में साथियों करोड़पति बन सकता है। एक ऐसा प्लान दद्दा जी ने साथियों डिजाइन किया है, अगर साथियों ईमानदारी से हम शिद्दत से काम तो कर दें साथियों, आपको कोई रोक नहीं सकता सफलता के परचम लहराने से, सफलता के शिखर पर पहुंचने से साथियों। तो मैं बहुत बहुत दिल की गहराइयों से दद्दा जी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। तो साथियों अपनी मीटिंग को और आगे बढ़ाते हुए साथ ही साथ मैं आज यहाँ तक हूँ तो उसमें मेरे गुरुओं के साथ साथ मेरे उन साथियों का भी बहुत बहुत रोल है, जिसको मैं कहता हूँ अपनी प्यारी सी टीम, मेरे सारे सहयोगी जिनके साथ में जिन्होंने मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चलना सीखा, एक दूसरे को चलना सिखाया, उन सभी साथियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, जिसमें बहुत सारे साथी हैं लेकिन कुछ ही लोगों का मैं नाम लेना चाहूंगा, जिसमें जयराम सर हैं, कृष्णा जी हैं, राजकुमार मांझी जी हैं, जीएल पटेल जी हैं, रानी सिंह जी हैं, अनिल सोनी जी हैं, राज नारायण जी हैं, रेखा मौर्य जी हैं, स्नेहा जी, पुष्पा जी हैं, सविता जी हैं, सुमन जी भी जिनका प्रयागराज में आप सभी हालांकि पूरी कंपनी में लोग उनको जानते हैं, सुमन जी का भी बहुत सहयोग रहता है, मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सुमन जी को भी। इसी के साथ में राजेश कुशवाहा जी बांदा से, देवराज जी प्रतापगढ़ से, मोतीलाल जी कौशाम्बी से, अभयराज जी जौनपुर से, आरएस मोहरा जी प्रयागराज से, यज्ञसेन जी शत्रुघ्न जी, ऐसे बहुत सारे साथी साथियों जिनका मैं सबका नाम ले पाना संभव नहीं होगा, लेकिन साथियों सभी साथियों ने कदम से कदम मिलाकर साथियों चला मेरे साथ और आज इनकी देन है साथियों। आज ये पूरे भारत में एक ऐसा माहौल आज जेएमबीटी के साथियों बनना शुरू हो गया है, आज हमारे आपके समक्ष कोई खड़ा नहीं सकता साथियों। साथियों इसी क्रम में मीटिंग को आगे बढ़ाते हूँ, जैसा कि आप सभी को पता है चूंकि बातें बहुत सारी करनी है, समय साथियों एक घंटे का ही होता है, अगर सबका नाम लेना साथियों शुरू करेंगे तो साथियों बात ही नहीं हो पाएगी। तो सभी साथियों से क्षमा भी चाहूंगा जिनका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ। तो साथियों आज का टॉपिक मैंने बहुत ही बेहतरीन रखा है, बहुत ही लाजवाब टॉपिक है साथियों, अगर इस टॉपिक को सही से साथियों मंथन कर लिया जाए, मनन कर लिया जाए साथियों, जिस टॉपिक का नाम है खुद पर विश्वास और स्वयं की जिम्मेदारी, सेल्फ बिलीव एंड सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी साथियों। क्योंकि साथियों एक ऐसा टॉपिक है जिसको हम आप सुनते तो हैं लेकिन समझते नहीं, अगर इसको सही से हम आत्मसात कर लें साथियों इस टॉपिक को ना, तो शायद कोई कमी ही न रह जाए हमारे आपके अंदर, कोई भी व्यक्ति असफल नहीं रहेगा साथियों अगर इस टॉपिक को हम सही से अपने ऊपर लागू कर लें साथियों। इस दुनिया में कोई भी इंसान कोई भी व्यक्ति असफल नहीं हो सकता साथियों। तो साथियों इस टॉपिक पे बात करने से पहले मैं एक छोटी सी कहानी से अपनी बातों को आगे बढ़ाऊंगा, बहुत छोटी सी कहानी है जिससे शायद आप रिलेट भी कर पाएंगे साथियों। ये कहानी है राजा विक्रम की, जो अपने राज्य के राजा का चुनाव करना चाहते थे, उनके लिए ये चुनाव करना बहुत आसान होता था कि राजा किसको बना दें, क्योंकि अपने पुत्रों को उनको राजा बनाना था। लेकिन साथियों एक समस्या ये थी कि उनके पास एक पुत्र नहीं थे, दो पुत्र नहीं थे, पांच पुत्र नहीं थे, 10 नहीं थे, 20 नहीं थे, पूरे के पूरे साथियों 100 पुत्र थे उनके, और 100 पुत्रों में साथियों
चुनाव करना आप समझ सकते हैं कितना कठिन होता है, किसको बनाएं किसको ना बनाएं साथियों, तो उनके लिए बहुत बड़ी समस्या थी। और उनकी पत्नी भी अपने पुत्रों से बहुत प्रेम करती थी, इसलिए चुनाव करना उनके लिए बहुत कठिन हो गया था। लेकिन उन्होंने कहा अपनी रानी से कि मैं फिर भी चुनाव करूंगा। और उन्होंने एक राज्य में एक भोज का ऐलान कराया कि मैं अपने राज्य में इस भोज के माध्यम से राज्य के राजा का चुनाव करूंगा। तो रानी ने कहा कि महाराज आप इस भोज से कैसे आप चुनाव करेंगे, पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया गया, अनाउंस करवा दिया गया कि राजा का चुनाव होगा, नए राजा का चुनाव होगा इस भोज के माध्यम से, पूरे जनता में पूरे राज्य में ये एक माहौल बन गया, लोग सोच में पड़ गए, आपस में लोग आपस में बातें करने लगे कि कैसे होगा, कि भोज के माध्यम से कैसे राजा चुना जाए। लेकिन चूंकि राजा ने कुछ ऐसा सोच रखा था तो उस समय आया राजमहल के प्रांगण में भोज का कार्यक्रम शुरू हुआ, भोजन पकवान बन गए अच्छे अच्छे और 100 राजकुमारों को वहां पे आमंत्रित किया गया। लोग आए और 100 राजा की थालियां वहां पर परोस दी गई, सभी राजकुमार वहां पर बैठे भोज के लिए। जैसे ही भोज शुरू होने वाला था एक पता नहीं कहां से बहुत सारे जंगली कुत्ते वहां पर आ गए। और जैसे ही जंगली कुत्ते साथियों वहां पर पहुंचे, तो आप समझ सकते हैं कि जब जंगली कुत्ते आएंगे तो क्या हो सकता है। वहां पर एक अफरा तफरी का माहौल मच गया, सारे लोग इधर उधर भागना शुरू कर दिए, सभी सैनिक इधर उधर, कोई कुत्तों को कुछ लोग मारने चले गए, कुछ लोग पीछे, मतलब इधर उधर पूरा जैसे युद्ध सा माहौल बन गया वहां पर। और धीरे धीरे पूरा युद्ध सा माहौल बन गया, उसके बाद वहां से भोज का कार्यक्रम समाप्त हुआ, शाम हो गई। इसके बाद शाम को राजा का दरबार लगा, और जब दरबार लगा तो वहां पर राजा ने ये कहा कि आज दरबार में नए राजा का चुनाव होगा। तो सभी लोग सोच में पड़ गए, भोज तो हुआ नहीं, आखिर चुनाव होगा कैसे। लेकिन राजा ने कुछ ऐसा सोच रखा था, लोगों के दिमाग में बातें चल रही थी, तो राजा ने कहा सबसे पहले बड़े राजकुमार को बुलाया गया और उस बड़े राजकुमार से पूछा गया कि आप बताइए कि क्या आपने भोजन किया। तो उस राजकुमार ने कहा महाराज पिताश्री हम भोजन करने ही वाले थे पिताश्री, लेकिन पता नहीं कहां से वो जंगली कुत्ते वहां पर आ गए, और जैसे ही कुत्ते आए पिताजी वहां पे अफरा तफरी का माहौल मच गया, पता नहीं आपने कैसे सैनिक रख रखे हैं जो कुत्तों को भगा नहीं सके, और हम लोग पूरा अफरा तफरी में हम भी कुत्तों के पीछे चले गए, मारने चले गए, 3-4 कुत्तों को मैंने भी मारा पिताजी, हम तो भोज कर ही नहीं पाए। फिर दूसरे राजकुमार को बुलाया गया, उसने भी कहा पिताश्री इस राज्य में क्या हो रहा मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, कुत्ते कैसे आ गए, और मैं तो इतना मुझे कुत्तों से इतना डर लगता है कि मैं तो डर के मारे वहां से भाग गया, पिताश्री भोज तो मैं भी नहीं कर पाया। तीसरे राजकुमार को बुलाया गया, चौथे को बुलाया गया, ऐसे कर कर करके लगभग सारे राजकुमारों को बुलाया गया और किसी ने ये नहीं कहा कि महाराज ने भोजन किया। लेकिन लास्ट में सबसे अंतिम राजकुमार को जब बुलाया गया, उनसे पूछा गया कि पुत्र आप बताइए कि क्या आपने भोजन किया। तो उस पुत्र ने उस राजकुमार ने कहा बिल्कुल महाराज पिताश्री मैंने भोजन को किया, और सही बताऊं तो आज का ये भोजन इतना बेहतरीन था कि शायद आज के पहले मैंने ऐसा भोजन कभी किया ही नहीं था। इतना शानदार भोजन था, इतना लजीज भोजन था, इतना स्वादिष्ट भोजन था, शायद मैंने इससे पहले कभी भोजन किया। तो राजा साहब ने कहा कि सारे राजकुमारों को तो भोजन नहीं कर पाया क्योंकि वहां पर कुत्ते आ गए थे, तो आपने भोजन कैसे किया। तो राजकुमार ने बताया कि बिल्कुल पिताश्री कुत्ते आ गए थे, लेकिन मैं वहां पे बैठा रहा, मैं अपना भोजन करता रहा, मैं उठा नहीं, मैं भागा नहीं, क्योंकि मेरे पास में 99 थाली और पड़ी हुई थी बाकी राजकुमारों की। मैं भोजन करता गया और जैसे ही कोई कुत्ता मेरे पास आता
एक थाली में कुत्ते के आगे कर देता और फिर भोजन करने लगता। फिर से जैसे कोई कुत्ता आता, मैं अपनी दूसरी थाली उसके सामने पेश कर देता। फिर जैसे कोई कुत्ता आता, ऐसे ऐसे करते 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 मैंने भोजन भी कर लिया और 99 थाली मैंने कुत्तों को भी खिला दी। तो साथ ही साथ मैंने भी भोजन कर लिया और कुत्तों को भी भोजन करा दिया महाराज। इसी प्रकार से महाराज मैंने कल का भोजन, आज का जो भोजन था, बहुत ही शानदार रहा भोजन। इससे अच्छा भोजन तो महाराज कभी बोल नहीं सकता। जैसे ही महाराज ने उसकी इन बातों को सुना और पूरी महल में, पूरे दरबार में जितने लोगों ने सुना, तालियों की गड़गड़ाहट मच गई और वहीं पे महाराज ने उस राजा का चुनाव कर दिया, अनाउंस कर दिया कि आप ही होंगे इस राज्य के नए राजा। साथियों, उस कहानी से सीख ये मिलती है कि साथियों, समस्याएं सबके जीवन में आती है। साथियों, समस्या किसके जीवन में नहीं है, समस्या तो सभी के जीवन में आती है, लेकिन हम मैदान छोड़कर भाग जाते, हम जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। साथियों, स्वयं जिम्मेदारी नहीं लेते, हम दूसरों को सौंप देते हैं, वो समस्या का निदान करेगा, उस समस्या को वो सुलझाएगा। अगर वो भी राजकुमार यही सोच लेता, जैसे सब भाग गए वैसे मैं भी भाग जाऊंगा, और सैनिकों ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई और बाकी राजकुमारों ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, तो मैं भी नहीं निभाऊंगा, मैं भी जान बचा के यहाँ से भाग जाऊंगा। तो साथियों, अगर वो भी भाग गया होता तो क्या वो राजा बन पाता? नहीं बन पाता। उसने स्वयं की जिम्मेदारी उठाई और भोजन किया, और उस भोजन की वजह से साथियों राजा बन गया। तो साथियों, ठीक उसी प्रकार से हमें भी अपने जीवन में दूसरों पर नहीं, स्वयं की जिम्मेदारी पर साथियों काम करना होगा। जब हम स्वयं की जिम्मेदारी पे काम करेंगे साथियों, तो हम भी आगे जा करके राजा तभी बन पाएंगे। नहीं तो ठीक वैसे ही इस जंगली कुत्तों की साथियों मार्केट में कमी नहीं है, बाजार में कमी नहीं है, दुनिया में कमी नहीं है। साथियों, आप जहां भी जाएंगे ऐसे लोग ऐसे मिलते ही रहेंगे, जिनको देख कर हम मैदान छोड़ते रहेंगे साथियों, तो कभी भी सफलता आपके कदम नहीं चूमने वाली। साथियों, ऐसे बहुत से उदाहरण दुनिया में पड़े हुए साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस दुनिया में जितने भी जिंदा जीव है साथियों, ईश्वर ने जितने भी जीव को इस दुनिया में पैदा किया है साथियों, उन सभी में अगर मैं बात करूं, इंसान एक ऐसा प्राणी जिसको ईश्वर ने सबसे कम दिया है, सबसे कम उसको ईश्वर ने दिया है। क्योंकि अगर मैं बात करूं पक्षियों की, तो ईश्वर ने पक्षियों को एक ऐसा हुनर दिया है कि वो उड़ सकते हैं, मछलियों को एक ऐसा हुनर दिया है कि वो तैर सकती हैं, चीते को एक ऐसा हुनर दिया है कि उसके अंदर बहुत फुर्ती होती है, और बाज को एक ऐसा हुनर दिया है साथियों कि बहुत दूर तक वो देख सकता है साथियों। लेकिन कुदरत ने साथियों हमको ऐसा हुनर नहीं दिया, लेकिन साथियों कुदरत ने हमको एक ऐसा हुनर दिया है जो शायद किसी के पास नहीं था। बस समझने की बात है, उसको अपनाने की बात है, उसको आत्मसात करने की बात है, उसको लेके आगे चलने की बात है साथियों, बस समझ जाना। साथियों, इस पर हमको एक ऐसा गुण दिया है जिसको बोलते हैं आत्मविश्वास, सेल्फ बिलीफ। साथियों, अगर खुद को विश्वास हो जाए साथियों, हम दुनिया में सब कुछ कर सकते हैं। मैं बताना चाहूंगा साथियों, ईश्वर ने हमको एक ऐसा चीज दिया है जिसको विश्वास करके हम पक्षियों के तरीके उड़ तो नहीं सकते साथियों, लेकिन इंसान ने अपने ऊपर विश्वास करके साथियों एक ऐसा चीज बना दिया, एक ऐसा हवाई जहाज बना दिया जो पक्षियों के तरीके साथियों उड़ सकता। इंसान ने अपने ऊपर विश्वास करके एक ऐसी पनडुब्बी बना दी जो मछलियों के तरीके पानी में तैर सकती है साथियों। इंसान ने अपने ऊपर विश्वास करके एक ऐसा लेंस बना दिया जो बाज के तरीके देख सकता है साथियों। इंसान ने अपने ऊपर विश्वास करके एक ऐसी सुपर स्पीड वाली कार बना दी साथियों, जो चीते के तरीके भाग सकती है, जिसमें फुर्ती होती है साथियों। तो साथियों, इंसान अगर अपने आप में विश्वास कर ले, खुद पर विश्वास कर ले साथियों, तो उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है साथियों। आज इंसान अपने ऊपर विश्वास करके जो कभी असंभव होता था, आज आप देख लीजिए, उसने अपने ऊपर विश्वास किया कि मैं कर सकता हूं, और आज इंसान चांद पर पहुंच गया साथियों। चांद पर जहां पर पहुंचना कभी असंभव था, लेकिन किसी ने अपने ऊपर विश्वास किया
और आज इसने ये कारनामा करके दिखाया साथ। आज वो चांद तक पहुंच गए। और साथियों मैं बताना चाहूंगा, नेपोलियन हिल का नाम शायद कुछ लोगों ने सुन रखा होगा। नेपोलियन हिल ने एक बात कही थी कि आपका दिमाग साथियों जो सोच सकता है वो कर सकता है, साथ में जो सोच सकता है उस पर वो कार्य कर सकता है। यानी कि अगर हम अपनी समस्या पर फोकस ना करें, हम उस पर फोकस करें कि हम कर सकते हैं, तो साथियों इस दुनिया में कोई भी काम कठिन नहीं है साथियों। तो समस्या बड़ा करने की नहीं है साथियों, समस्या बड़ा सोचने की है। समस्या ये है कि हम बड़ा सोच ही नहीं पाते। अगर लोगों से कह दो कि बड़ा सोच लो, उनको बड़ा सोचने में ही शर्मा जाती, बड़ा सोचने में लोगों को संकोच होता है, ऐसा लगता है कि सोचने का भी टैक्स है। अभी लोगों से कह दो भैया आप करोड़पति बन सकते हो, आप अरबपति बन सकते हो, उनको मजाक लगता है। उनको खुद पर ही विश्वास नहीं है, खुद पर बिलीव नहीं है कि मैं भी कभी करोड़पति अरबपति बन सकता हूँ। साथियों अगर मुकेश अंबानी को विश्वास नहीं होता तो क्या आज वो दुनिया के अमीरों की लिस्ट में शामिल होते? साथियों क्या ऐसे बहुत से लोग सचिन तेंदुलकर को बिलीव नहीं हुआ होता तो क्या आज ये क्रिकेट के भगवान बन पाए होते? साथियों क्या विराट कोहली को भी अगर बिलीव नहीं हुआ होता तो क्या आज विराट कोहली बन पाए होते? महेंद्र सिंह धोनी को अगर अपने ऊपर विश्वास नहीं होता तो क्या वो नौकरी छोड़कर क्रिकेट खेलने जाते? साथियों अगर अमरीश पुरी को अपने ऊपर विश्वास नहीं होता तो सरकारी नौकरी छोड़कर क्या फिल्म जगत में जाते साथियों? लेकिन नहीं, उनको विश्वास था साथियों अपने ऊपर, अपने टैलेंट के ऊपर विश्वास था और उन्होंने अपनी नौकरी को छोड़ा और अपने उस हुनर पर विश्वास किया, अपने ऊपर विश्वास किया और उन्होंने करके दिखाया साथियों। साथियों समस्या ये है कि हम खुद पर विश्वास नहीं करते, हम दूसरों पर विश्वास करते हैं। हम दूसरों पर विश्वास तो करते हैं कि अगर मैं वहां पर नौकरी करूंगा तो मेरी इतनी तनख्वाह तो पक्की है, लेकिन अगर हम खुद पर विश्वास कर लें साथियों तो हम कितने लोगों को तनख्वाह दे सकते हैं साथियों? आज समस्या ये है कि हम तनख्वाह लेने वाले बनना चाहते हैं, देने वाले तो बनना ही नहीं चाहते। जबकि आज गवर्नमेंट भी कहती है कि आप स्वरोजगार अपनाएं, नौकरी लेने वाले नहीं नौकरी देने वाले बनिए साथियों। लेकिन समस्या यह है कि हमारी सोच आज भी वहीं पे अटकी हुई है कि 10,000, 20,000, 25,000, 50,000 की नौकरी मिल जाए और जीवन चलता रहे साथियों। अगर जीवन ऐसा ही चलता रहेगा साथियों, हम आप आगे कैसे बढ़ेंगे? अगर किसी न किसी को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी साथियों, नहीं तो कैसे होगा? अगर किसी ने जिम्मेदारी आज से 200 साल 100 साल पहले लोगों ने नहीं लिया होता तो आज देश आजाद नहीं होता साथियों, आज भी हम गुलामी की जिंदगी जी रहे होते साथियों। अगर किसी ने ये जिम्मेदारी नहीं ली होती कि मैं इस देश को आजाद कराऊंगा साथियों, किसी ने तो खुद पर विश्वास किया, खुद की तो जिम्मेदारी किसी ने लिया साथियों और उसने देश की आजादी की लड़ाई को छेड़ दिया और आज देश को आजाद करा दिया साथियों। उसी प्रकार से अगर हम इस जिम्मेदारी को नहीं लेंगे, कि अपने इस घर परिवार को जीवन को बेहतर बनाने की जिम्मेदारी हम नहीं लेंगे साथियों तो कौन लेगा? क्योंकि किसी ने किसी को तो जिम्मेदारी लेनी ही पड़ेगी मित्रों। अगर हम जिम्मेदारी लेते हैं तो हमारी आने वाली कई पीढ़ियां बदल सकती है साथियों। क्योंकि अगर किसी ने नहीं सोचा, अगर धीरू भाई अंबानी के पिताजी ने नहीं सोचा, दादाजी ने नहीं सोचा और अगर धीरू भाई अंबानी भी नहीं सोचे होते तो क्या आज अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी आज इस स्थिति में होते साथियों? नहीं होते। लेकिन एक व्यक्ति ने सोचा और उनकी आने वाली कितनी पीढ़ियां आजाद हो गई साथियों। किसी ने किसी को तो अपने ऊपर विश्वास करना पड़ेगा, किसी ने किसी को तो जिम्मेदारी साथियों लेनी ही पड़ेगी साथियों। तो साथियों मैं ऐसे बहुत से उदाहरण इस दुनिया में पड़े हुए हैं, मैं बताना चाहूंगा एक ऐसा व्यक्ति जैसे कि आप सभी जानते हैं उनको, जो साउथ अफ्रीका में बैरिस्टर थे, वकील थे, जो अपना जीवन यापन कर रहे थे, जिनको हम आप महात्मा गांधी के नाम से जानते हैं साथियों। लेकिन उन्होंने एक अपने ऊपर विश्वास किया, उनको दिमाग में एक बात आई कि मैं सिर्फ और सिर्फ ये काम करने के लिए पैदा नहीं हुआ हूँ, मैं दुनिया में कुछ अलग करने के लिए पैदा हुआ। उनको अपने ऊपर विश्वास हुआ और
उन्होंने एक ऐसा काम किया और आज हम आप उन सभी उनको बापू के नाम से जानते हैं। और एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसी साधारण स्कूल टीचर जिसको ये तक पता नहीं था कि मैं कभी प्रिंसिपल भी बन पाऊंगी इस स्कूल की, लेकिन साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा, आज वो महिला जिस ट्रस्ट को चलाती थी, आज उस ट्रस्ट में 40 लाख लोग पर डे भोजन करते हैं साथी, 40 लाख लोग मुफ्त में भोजन करते हैं साथियों। एक ऐसी महिला जिसको हम आप सभी जानते हैं मदर टेरेसा के नाम से साथी। ऐसे बहुत से उदाहरण इस दुनिया में पड़े हैं मित्रों। 8 साल का बच्चा जिसने जो गली गली में जाकर पेपर बांटता था, एक गरीब परिवार में पैदा हुआ और गली गली में पेपर बांटता था, लेकिन उसको खुद पर विश्वास हुआ कि मैं ये पेपर बांटने के लिए पैदा नहीं हुआ हूँ, खुद पर विश्वास हुआ और एक ऐसा काम करके दिखाया मित्रों कि एक ऐसा साइंटिस्ट बने और हिंदुस्तान के जो सबसे उच्च पद होता है राष्ट्रपति का, उस पद पर भी सुशोभित हुए, जिनको हम राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के नाम से जानते हैं। ऐसे बहुत से उदाहरण है मित्रों जिनको अगर हम ढूंढने जाएंगे तो पूरा भरा पड़ा हुआ है। एक ऐसा एक्टर जो बस में कंडक्टरी करता था मित्रों, कंडक्टरी करते 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 उसको बात समझ में आ गई, खुद को ये बात समझ में आ गई कि मैं सिर्फ और सिर्फ इसके लिए नहीं बना हूं, मुझे कुछ अलग करना है दुनिया में। और उसने कुछ अलग करके दिखाया और आज हिंदुस्तान के बहुत बड़े स्टार रजनीकांत हैं, जिनको हम आप सभी जानते हैं। ऐसे बहुत से, सुधा चंद्रन को आप जानते होंगे, एक ऐसी नृत्यांगना सुधा चंद्रन जो बहुत बड़ी नृत्यांगना हुई अपने यहाँ की, जिनका एक सपना था कि मैं कैलाश मानसरोवर पे जाकर के मैं अपना नृत्य करूंगी, कथक करूंगी। उन्होंने पूरी सारी तैयारी भी कर ली थी, लेकिन उसी बीच में एक ऐसी घटना है, एक ऐसी दुर्घटना होती है कि उनका पैर डिस्टर्ब हो जाता है और उनका पैर काटना पड़ता है। लेकिन उन्होंने अपने उस सपने को, अपने उसको उन्होंने मारा नहीं और खुद पर विश्वास किया, खुद पर कॉन्फिडेंस लिया और कुछ ही दिन में सिंथेटिक पैर से अपने आप को फिर से उस माहौल में लेकर के आए, फिर से अपने प्रैक्टिस की और कुछ ही सालों के बाद, लगभग 10 सालों के बाद उन्होंने फिर से अपने उस सपने को साकार किया, कैलाश मानसरोवर पर जाकर के लगातार 2 घंटे अपना कथक को उन्होंने किया और वो रिकॉर्ड उन्होंने बनाया। ऐसे आपके इस दुनिया में इतने उदाहरण है कि अगर देने लगे तो शायद सुबह से शाम हो जाएगी साथियों, क्योंकि उदाहरण की कमी ही नहीं है। एक ऐसा व्यक्ति जिसको हम आप जानते हैं, चाय बेचने वाला बंदा जिसको खुद पर विश्वास हुआ कि मैं चाय बेचने के लिए नहीं बना, मैं इस दुनिया में सिर्फ चाय बेचने के लिए नहीं आया हूँ, कुछ बड़ा करने के लिए आया हूँ। और आज वो दुनिया में उसने अपना लोहा मनवाया, हिंदुस्तान का एक ऐसा प्रधानमंत्री बने जिनको हम आप सभी जानते हैं नरेंद्र मोदी जी के नाम से। तो साथियों ऐसे बहुत से लोग आज इस दुनिया में हैं जिनकी अगर हम चर्चा करने लगे साथियों, सिर्फ और सिर्फ मेरा यही कहना है कि हम अपने ऊपर विश्वास करें, क्योंकि अगर हम खुद पर विश्वास नहीं करेंगे तो कोई भी काम हम बड़ा नहीं कर पाएंगे। आज हम आप फील्ड में जाते हैं, हमेशा दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, अपनी स्वयं की जिम्मेदारी हम लेना ही नहीं चाहते, हमेशा कुछ भी करना होगा सीनियर, छोटा से छोटा काम होगा सीनियर करेगा, प्लान दिखाना होगा सीनियर को बुला लेंगे, छोटी सी मीटिंग करनी होगी सीनियर को बुला लेंगे। अरे भाई आप कब करोगे, आप कब सीनियर बनोगे, क्या जिंदगी भर बच्चे ही बने रहेंगे, हम बड़े कब बनेंगे, आप भी तो बड़े बनेंगे, नहीं बनेंगे तो कल आपकी टीम जब होगी तो वो कैसे डेवलप होगी। तो खुद को सारी जिम्मेदारी तो लेनी ही पड़ेगी साथियों, क्योंकि जिम्मेदारी अगर हमने नहीं ली तो आपका व्यापार, ये मान लीजिए कि जिस बिजनेस में है ये अकेले काम करने से नहीं बढ़ने वाला, क्योंकि जिस व्यापार में हम हैं मित्रों ये अकेले हम आप यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि अकेले इंसान की काम करने की क्षमता होती है, लिमिट होती है, वो लाखों तो कमा सकता है लेकिन करोड़ों कमाने हैं तो उसके लिए उसको अपनी टीम की जरूरत होगी, साथियों की जरूरत होगी, एक संगठन की जरूरत होगी, एक नेटवर्क की जरूरत होगी। और नेटवर्क बिना आपके ज्ञान, बिना आपकी स्वयं की जिम्मेदारी से नहीं बढ़ता, क्योंकि अगर आप
जिम्मेदारी नहीं लेंगे तो आपकी टीम में कौन सिखाएगा, कौन बताएगा? क्योंकि आपका सीनियर हर जगह नहीं पहुंच सकता, क्योंकि सीनियर के पास दायरा बहुत बड़ा होता है। सीनियर कहां तक पहुंचेगा? अगर वो एक ही व्यक्ति को चलेगा तो सबके साथ कैसे काम कर पाए? तो जिम्मेदारी हमको स्वयं को लेनी पड़ेगी। जिस दिन हमने जिम्मेदारी ले ली मित्रों, आपका व्यापार बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। और आज आप देख लीजिए, जिसने भी जिम्मेदारी स्वयं के दम पर ली, आज उसका व्यापार, उसका बिजनेस दिन रात तेजी से बढ़ता हुआ चला जा रहा। अगर मैं बात करूं, दुनिया में बहुत से उदाहरण है, लेकिन दुनिया की बात नहीं करूंगा, अपनी ही कंपनी में एक ऐसे महान लीडर जिनको हम आप सभी जानते हैं आजाद सर के नाम से, उन्होंने अपनी खुद की जिम्मेदारी उठाई, खुद का बीड़ा उठाया कि मैं कंपनी का एक बेहतरीन ऑफिस, बेहतरीन शोरूम खोलूंगा। और उन्होंने ये करके दिखाया। 25 अक्टूबर 2022 को उन्होंने एक भव्य शोरूम का उद्घाटन किया। उन्होंने करके दिखाया कि मैं स्वयं की जिम्मेदारी लेता हूँ, कोई ले या ना ले, मैं स्वयं की जिम्मेदारी लूंगा। और जैसे उन्होंने इस कारनामे को किया साथियों, आज आप देख लीजिए पूरे भारत का माहौल एक तरफ और आजाद सर का माहौल एक तरफ। क्यों? क्योंकि उन्होंने खुद की जिम्मेदारी के साथ। उसी प्रकार से आप हर जगह देख लीजिए, जहां भी जिसने भी जिम्मेदारी ली होगी, चाहे हमने जिम्मेदारी ली, हमने अपनी पूरी टीम की जिम्मेदारी ली। आज हर जगह जहां भी जाना होता, पूरी टीम का मीटिंग करना हो, प्लान करना हो, डेमो दिखाना हो, मीटिंग का सेटलमेंट करना हो, हर चीज की जिम्मेदारी साथियों जब तक नहीं लेगा कोई लीडर, तब तक साथियों बड़ा काम आप नहीं कर सकते। अभी देखिए साथियों, अभी हाल ही में 14 मई को प्रयागराज में एक भव्य कार्यक्रम का हम लोगों ने आयोजन किया। स्वयं की जिम्मेदारी ली गई और इस कार्यक्रम को सफल बनाया गया। सभी साथियों ने, प्रयागराज के सीनियर लीडरों ने मिल करके इसकी जिम्मेदारी लिया और एक भव्य प्रोग्राम हुआ साथियों, जिसमें अगर मैं संख्या की बात करूं तो लगभग 100+ की संख्या। तो साथियों ये जिम्मेदारी लेनी पड़ती, जिसमें सभी साथियों का, रिसीवरों का पूरा सम्मान भव्य तरीके से किया गया। तो साथियों जिम्मेदारी लेनी पड़ती, अगर यही जिम्मेदारी नहीं ली गई होती तो शायद इस प्रयागराज के प्रोग्राम को, इस मीटिंग को हम लोग सफल नहीं बना पाते। तो जिम्मेदारी लेनी पड़ती है साथियों, जहां जहां पे भी जिसने जिम्मेदारी ली, आप देख लीजिए खुद पर जिसने विश्वास किया कि मैं करके दिखाऊंगा, कोई ले या न ले, मैं करूंगा। जिस दिन मैं जिम्मेदारी लेने की बात आ जाएगी, आप किसी का इंतजार नहीं करेंगे, और जिस दिन आप इंतजार करना छोड़ देंगे, आपकी सफलता बाहें पसार कर आपका इंतजार करेगी कि आओ मेरे लाल, मेरी बाहों में आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर दूं, माला लेकर के गले में हार डालने के लिए खड़ी होगी। लेकिन कब? जब आप जिम्मेदारी स्वयं ले। मेरे प्यारे साथियों, मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, ये जिम्मेदारी आज पूरे भारत में सब ने ले ली है। जहां जहां पे वहां पे आप देख सकते हैं, युद्ध मिश्रा जी ने लिया है, उधर मुकेश जी ने लिया है, अलका जी ने लिया है, इधर जयराम सर ने लिया है, इधर कृष्णा जी ने लिया है, इधर स्नेहा जी ने लिया है, रानी मैडम ने लिया है पूरे सुल्तानपुर से, हर जगह पर इधर सुमन जी ने, मतलब जहां जहां भी जिसने जिम्मेदारी ली है, देख लीजिए 23 अप्रैल को उसका नजारा, उसका एक उदाहरण आपके सामने पेश था। जिसने जिसने जिम्मेदारी ली, वो बड़ी बड़ी टीमें लेकर के साथ में आया। किसी का चेक 50,000 था, किसी का चेक 1,00,000 का था, किसी का 1.5 लाख का था, किसी का 2.5 लाख का था, किसी का 4 लाख का था, और किसी का 10 लाख का था। साथ ये वही लोग हैं जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी पर काम किया है साथ में। वो किसी का इंतजार नहीं करते, वो आएंगे और मेरा काम बढ़ाएंगे। क्योंकि साथियों एक बात मैं हमेशा कहता हूँ कि बैसाखी के सहारे साथियों इंसान चल तो सकता है, लेकिन दौड़ कभी नहीं सकता। अगर दौड़ना है, उस बैसाखी को तोड़ना पड़ेगा, उस बैसाखी को छोड़ना पड़ेगा। जिस दिन हम बैसाखी को छोड़ देंगे साथियों, आप इस सफलता आपका इंतजार करेगी। तो मेरे प्यारे साथियों, मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूँ, बधाई मैं फिर से देता हूँ, जिसका 23 अप्रैल की मीटिंग बहुत ही बेहतरीन रही, बहुत ही जबरदस्त रही, माहौल एक भव्य था, जहाँ पर पूरे भारत से लोग आए थे, जिसको देखने के बाद दिल में एक ऐसी फीलिंग आई कि ऐसे ही प्रोग्राम अब हर महीने होने चाहिए। साथ में उसी को लेकर के हमने पहल अभी 14 मई को प्रयागराज से किया,
कि अब ये प्रोग्राम हर महीने इस तरीके का कार्यक्रम, इस तरीके का भव्य आयोजन हर महीने करेंगे साथ में। फिर से अगले महीने में हम इसकी तैयारी कर रहे हैं और अगस्त में भी एक भव्य कार्यक्रम की तैयारी हम करने चल रहे हैं, जहां पर बहुत बड़ी संख्या में हम प्रोग्राम करेंगे साथियों। और यही नहीं, आने वाले समय में साथियों, अभी आपने देखा अभी नेपाल टूर अभी कंपनी ने दिया हुआ है, और नेपाल टूर के साथियों में बात करूं, हालांकि ये माहौल पूरे भारत में है, सभी ने अपना अपना टारगेट बना रखा है, सभी ने अपनी अपनी टीम से टारगेट बना रखा है, हम कितने लोगों को लेके जाएंगे। कोई कहता है मैं 2 लोगों को लेके जाऊंगा, कोई कहता है मैं 4 लोगों को लेके जाऊंगा, कोई कहता है मैं स्वयं जाऊंगा, कोई कहता है मैं 10 लोगों को, कोई कहता है मैं 20 लोगों को लेके जाऊंगा साथियों। ऐसे बहुत सारे लोगों ने अपना अपना लक्ष्य बना रखा है साथियों, लेकिन मैंने भी अपना एक लक्ष्य बनाया हुआ अपनी पूरी टीम के साथ। मेरा भी एक लक्ष्य है साथियों कि नेपाल की तैयारी जोर शोर से चल रही है, और पूरी टीम से साथियों लगभग 30 लोगों को नेपाल ले चलने की तैयारी साथियों हो रही है, और मुझे पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है कि हम 30 लोगों को अपने ग्रुप से, अपने संगठन से लोगों को लेकर के साथियों जाएंगे नेपाल। पूरी तैयारी साथियों चल रही है, काम उस पर बहुत जोर शोर से शुरू हो चुका है साथियों। तो साथियों मैं बताना चाहूंगा कि आने वाली जो एनिवर्सरी, अगली जो एनिवर्सरी होगी, पूरा प्लान है, अभी सर से भी बातचीत चल रही थी कि हम अगली एनिवर्सरी, हालांकि एनिवर्सरी कैसा कि भी दिल्ली में भी हुई, और मैं तो गुजारिश भी करूंगा, दत्ता जी से भी निवेदन करूंगा कि एनिवर्सरी को अब दिल्ली के साथ साथ पंजाब में भी किया जाए, और हम अपनी तैयारी प्रयागराज में भी कर रहे हैं। अगली एनिवर्सरी हम अपने प्रयागराज में हम घोषित करेंगे, दत्ता जी से निवेदन करेंगे कि हम प्रयागराज में भी एक एनिवर्सरी हम अपने यहाँ डिजाइन करें। तो मैं बताना चाहूंगा कि अपनी एनिवर्सरी की तैयारी बहुत ही भव्य तरीके से होगी। जो 2024 की एनिवर्सरी होगी साथियों, एक ऐसा माहौल होगा जो लोगों के लिए नहीं, पूरे भारत के लिए नहीं, दुनिया के लिए लोगों के एक उदाहरण पेश होगा साथियों। एक ऐसे भव्य कार्यक्रम की तैयारी, अचीवरों की इतनी बड़ी लिस्ट होगी कि लोग देखेंगे, अन्य कंपनी के लोग जब देखेंगे उस वीडियो को, उस मीटिंग को, लोग भी सोचेंगे इतने कम समय में इतने अचीवर कहां से पैदा, क्योंकि ताकत है साथियों जेएमबीडी में। ये कारनामा, ये काम अगली एनिवर्सरी में साथियों प्रयागराज में होने जा रहा है। बहुत ही भव्य तरीके से तैयारी शुरू हो गई है इस पर, जो आने वाली एनिवर्सरी में आप सभी को देखने को मिलेगा साथियों। जो तैयारी चल रही है, मैं आपको बताना चाहूंगा साथियों, अगली एनिवर्सरी की जो तैयारी है, अपनी टीम से, अपने ग्रुप से, अपने पूरे यूपी से, अपने संगठन से साथियों, मेरा जो लक्ष्य है, कम से कम एनिवर्सरी में साथियों, अगली एनिवर्सरी में 100 नए रॉयल्टी अचीवर का सेलिब्रेशन साथियों करने की पूरी तैयारी। मैं अभी से साथियों आप सभी को बताना चाहूंगा, क्योंकि उस टारगेट पे साथियों काम हमने शुरू कर दिया है, कैसे 100 नए रॉयल्टी अचीवर तैयार होंगे अगली एनिवर्सरी में, उस पर काम हमने शुरू कर दिया है साथियों। और 100 रॉयल्टी अचीवर के साथ ही साथ साथियों, कम से कम, ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम 20 नए टेक्निकल अचीवर, जिसमें कई सारे पिने होंगी, जिसमें कोई पर्ल होगा, कोई स्टार पर्ल होगा, कोई एमराल्ड होगा, कोई स्टार एमराल्ड, इस तरीके से कई सारी पिने इसमें भी आएंगी। और रॉयल्टी में भी सिर्फ 2% की ही रॉयल्टी नहीं होगी साथियों, 100 लोगों में कोई 2%, कोई 4%, कोई गोल्ड होगा, कोई स्टार गोल्ड होगा, कोई प्लेटिनम होगा, कोई स्टार प्लेटिनम होगा साथियों। इस तरीके के साथियों तैयारी पर हमने काम शुरू कर दिया है, भव्य तरीके से साथियों इस पर हमने काम पूरी तैयारी कर रहे हैं। दद्दा जी से हम पूरा निवेदन भी करेंगे कि अगली एनिवर्सरी हम प्रयागराज में भव्य तरीके से करेंगे, क्योंकि उस पर एक बहुत बड़ी तैयारी हम करने चल रहे हैं। तो मैं साथियों आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा आज की जूम मीटिंग में, उन सभी साथियों को भी जो लगातार इस जूम मीटिंग को होस्ट कर रहे हैं, उन सभी साथियों को धन्यवाद करता हूँ। और इसी क्रम में साथियों एक छोटी सी कहानी और मेरे मन में आ रही है, मैं शेयर करना चाहता हूं कि आज हम अपनी सफलता, हमारी सफलता आखिर आती क्यों नहीं साथियों, क्योंकि उस सफलता का कारण कोई और नहीं है साथियों, हम स्वयं होते हैं। लेकिन
हम उसका टीकरा फोड़ते दूसरे के माथे पर, हम कहते हैं कि हमारी सफलता उसके कारण से नहीं आ रही, हम किसी दूसरे पर दोष मढ़ देते हैं। मैं साथियों छोटी सी कहानी शेयर करना चाहूंगा। ये कहानी है एक कंपनी के ऑफिस की, और उस कंपनी के बाहर के मेन गेट पर एक बोर्ड लगा दिया जाता है, एक नोटिस लगा दिया जाता है। सुबह सुबह जैसे ही लोग पहुंचते हैं, उस नोटिस बोर्ड को देखते हैं, उसको पढ़ते हैं, उस नोटिस बोर्ड में लिखा होता है कि आज आपकी कंपनी में एक ऐसे इंसान की डेथ हो गई है, एक ऐसा इंसान दुनिया छोड़ के चला गया है जो आपकी सफलता में सबसे बड़ा रोड़ा था, जिसने आपकी सफलता को रोक के रखा था, आज वो इंसान दुनिया छोड़कर चला गया है। इस नोटिस बोर्ड को पढ़ने के बाद लोगों में कहीं न कहीं चिंता का विषय भी था, दुख का भी माहौल था, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ लोग ये भी सोच रहे थे कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो मेरी सफलता में रोड़ा बना हुआ था और वो चला गया दुनिया छोड़कर। और उस बोर्ड पर यह भी लिखा था कि आपके कॉन्फ्रेंस हॉल में उस बॉडी को ताबूत के अंदर, कॉफिन के अंदर रखा गया है, आप सभी जाएं और उसका अंतिम दर्शन कर लें। इस नोटिस बोर्ड को पढ़ने के बाद सारे कर्मचारी एक एक करके अंदर जाते गए, लेकिन जो भी अंदर जाता साथियों, अंदर से बहुत ही मायूस होकर के आता, चेहरे पर मायूसी छा जाती, गम का भाव रहता, लेकिन कोई ये बता नहीं रहा था कि अंदर आखिर है कौन। कुछ ऐसा कंपनी ने अरेंजमेंट कर रखा था, कुछ ऐसा सिस्टम था वहां पर कि बाहर से आने के बाद कोई ये बता ही नहीं रहा था कि आखिर अंदर है कौन, कौन ऐसा व्यक्ति है जो आपकी सफलता रोक के रखता। लेकिन उन्हीं कर्मचारियों के बीच में एक ऐसा भी व्यक्ति था जिसको एक समस्या थी, उसको लगता था कि ये इंसान अगर यहाँ से हट जाए तो शायद मेरी सफलता आ जाए, मेरा ये काम हो जाए। वो व्यक्ति जब अंदर जाता है, लास्ट में देखता है, उस कॉफिन को खोलता है, उस ताबूत को खोलता है, तो देखता है और देखते ही वो चकित हो जाता है, क्योंकि उस कॉफिन में, उस ताबूत में एक मिरर रखा था, एक शीशा रखा था जिसमें उसका स्वयं का चेहरा दिख रहा था। साथियों जैसे उस स्वयं के चेहरे को देखता है, वो दंग रह जाता है, और उसी मिरर के बगल में, उसी शीशे के बगल में एक लेटर रखा हुआ था, उसमें लिखा था कि आपकी सफलता का कारण और आपकी असफलता का कारण कोई और नहीं, आपके काम में जो रोड़ा बना हुआ है कोई और नहीं है, दोस्त आप स्वयं हो। जैसे नोटिस को पढ़ा, वो अपने आप में सोच में पड़ गया, दुखी हो गया, और कहीं ना कहीं उसके बात समझ में भी आ गई, ये बात तो बिल्कुल सही है साथी। और यही चीज मेरे प्यारे साथियों हम सभी के साथ हो रहा है, कि हम सभी करते क्या है कि अपनी कमियों को नहीं ढूंढते हैं, हमेशा अपनी कमियों को दूसरों के सर पे मढ़ देते हैं कि इसकी कमी की वजह से, सामने वाले की कमी की वजह से आज मेरी सफलता रुकी है, अगर ये व्यक्ति हट जाए, चाहे ये व्यक्ति ऐसा कर दे तो शायद मेरी सफलता आ जाए। लेकिन हम आप करते क्या है, अपनी कमियों को नहीं पकड़ते, अपनी कमियों को नहीं ढूंढते, अपने अंदर नहीं झांकते हैं, अपना स्वयं का मंथन नहीं करते हैं साथियों। जिस दिन हम स्वयं का एनालिसिस करना शुरू कर देंगे साथियों, अपनी कमियों को जिस दिन दूर करेंगे, हमारी आपकी सफलता को रोक नहीं सकता। क्योंकि साथियों आप सभी को पता है कि जब हम एक उंगली किसी की तरफ दिखाते हैं तो तीन उंगली आपके स्वयं की तरफ होती है, लेकिन कभी हमने ध्यान नहीं दिया कि अगर सामने वाले में एक कमी है तो हमारे अंदर तीन कमी है, यानी कि तीन गुना कमी हमारे अंदर स्वयं है। तो उसकी कमी दूर करने से पहले हम अपनी कमियों को दूर करें, जिस दिन हमने ये कर दिया साथियों, हमारी आपकी सफलता कोई रोक नहीं सकता साथियों। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों सभी को, आज का टॉपिक जैसा कि बहुत बेहतरीन था, खुद पर विश्वास और स्वयं की जिम्मेदारी साथियों, इस पर हम सभी गहराई से मंथन करें। अगर हमने इस पर साथियों सही से मंथन किया, अपने अंदर झांका, अपनी जिम्मेदारी साथियों ले लिया, तो साथियों आपका टूर भी फाइनल हो जाएगा, आपकी बड़ी बड़ी पिने भी फाइनल हो जाएंगी, और आपका लाखों करोड़ों का चेक
आने से कोई रोक नहीं सकता साथियों। हिंदुस्तान में नहीं दुनिया में सबसे बड़ा मुकाम आप सभी का होगा, जेएमबीटी के लीडरों का होगा साथियों, जिस दिन हमने स्वयं की जिम्मेदारी उठा ली। मेरे प्यारे साथियों, तो बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत आभार जो साथी आज की जूम मीटिंग में हिस्सा बने रहे। मैं एक बार सभी को धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी को। और आप सभी को कहना भी चाहूंगा कि आप सभी, हालांकि मैं सारी मीटिंग में बोलता हूँ जूम मीटिंग में आप सभी संख्या बढ़ाने पर काम करें, लेकिन कोई भी व्यक्ति, कोई भी लीडर शायद इस पर काम नहीं करता है। लेकिन मैं फिर से अपनी बातों को दोहराता हूँ कि सारे लोग जिम्मेदारी लें। यहाँ पर भी वही बात लागू होती है, खुद की जिम्मेदारी। हम दूसरों को तो बोलते हैं कि भैया आप मीटिंग में संख्या बढ़ाओ, जूम मीटिंग में संख्या बढ़ाओ, लेकिन खुद की जिम्मेदारी कोई नहीं लेता कि मैं बढ़ाऊंगा। अगर आज हम स्वयं कमिटमेंट कर ले कि मैं आज कम से कम 10 लोगों को बैठा लूंगा, 20 लोगों को बैठा लूंगा, 2 लोगों को बैठा लूंगा, 5 लोगों को बैठा लूंगा, तो संख्या साथियों हजारों में पहुंच जाए। लेकिन हम स्वयं की जिम्मेदारी लेते ही नहीं है, बस हमने मैसेज किया और 1-2 लोगों को फोन किया, वो बैठता है कि नहीं बैठता, हम दोबारा उसको कॉल तक करके नहीं पूछते हैं कि भैया मीटिंग में क्यों नहीं आए। अगर हम दोबारा कॉल भी कर दें तो शायद वो बंदा आ जाए, लेकिन हमें जिम्मेदारी लेते ही नहीं हम लोग। बस एक फॉर्मेलिटी, एक औपचारिकता हम निभाते हैं, हमने मैसेज कर दिया, कॉल कर दिया। लेकिन अगर दिल से साथियों हम उस पर काम कर दें तो निश्चित है साथियों, मैं बता रहा हूं कि मीटिंग में संख्या हजार न पार हो जाए, 250 की संख्या की बात छोड़ दीजिए, हजारों की संख्या जाने में टाइम नहीं लगेगा, जो उसकी लिमिट है साथियों वो पूरी हो जाएगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों आप सभी से, इसी उम्मीद के साथ कि आगे आप लोग इस पर ध्यान देंगे, खुद पर विश्वास करेंगे और खुद की जिम्मेदारी लेंगे साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों को, और फिर से अपने गुरुओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी उम्मीद के साथ आप सभी नेपाल की तैयारी बड़े स्तर पर करेंगे और बड़ी से बड़ी तैयारी के साथ आगे चलेंगे। तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई उन सभी अचीवरों को जिन्होंने नई नई पिने अचीव की है फिर से मेरी तरफ से, और सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को जय जय मंदिर।